विदेश दौरे पर जाए और वहां से कुछ ऐसा बयान ना दे जिसकी वजह से राजनीति हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। राहुल गांधी अमेरिका दौरे पर हैं, वहां से उन्होंने एक बार फिर ऐसा बयान दिया है जिसकी वजह से भारत में जमकर राजनीति हो रही है। राहुल गांधी ने 2024 को लेकर बहुत बड़ा बयान दिया है, बहुत बड़ा दावा किया है। क्या कुछ कहा है राहुल गांधी ने, आइए आपको बताते हैं। बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी अमेरिका दौरे पर है और बीजेपी पर लगातार हमलावर नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी ने वॉशिंगटन में नेशनल प्रेस क्लब में कई सवालों के जवाब दिए और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए विपक्ष के एकजुट होने पर भरोसा जताया है। साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि राहुल गांधी ने बयान दिया है कि मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव 2024 में बहुत अच्छा करेगी और लोगों को चौंका देगी। गणित लगा लीजिए, विपक्ष अपने दम पर एकजुट होकर बीजेपी को हरा देगा। दरअसल वॉशिंगटन डीसी प्रेस क्लब में बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा कि भारत में विपक्ष एकजुट है, जमीन पर बहुत कुछ हो रहा है, ये सरकार के खिलाफ छिपा हुआ अंडर करंट है जो अगले चुनाव में लोगों को चौंका कर रख देगा। लोकसभा चुनाव में एक साल से भी कम समय बचा है और कांग्रेस अन्य विपक्षी दलों के साथ लगातार बात कर रही है। भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि भारत में समूचा विपक्ष संघर्ष कर रहा है, संस्थाओं पर कब्जा है, लोकतांत्रिक लड़ाई लड़ने के लिए हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं, इसलिए कुछ महीनों पहले हमने पूरे भारत में यात्रा करने की सोची। वही खुद पर हुए मानहानि केस पर राहुल गांधी ने बहुत बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं पहला व्यक्ति बनूंगा जिसे मानहानि के मामले में सबसे बड़ी सजा मिलेगी और लोकसभा की सदस्यता तक गंवानी पड़ेगी, लेकिन राजनीतिक तौर पर इससे मुझे ज्यादा बड़ा मौका मिला है। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र किया और साथ ही साथ उन्होंने जो इस बात का दावा किया कि 2024 में वो बीजेपी को हरा देंगे और पीएम मोदी को हरा देंगे क्योंकि विपक्ष भारत में एकजुट हो रहा है, इसको लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।